बच्चों एक इकोनॉमी का कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है आपको फोर्टी प्लस जीरो पॉइंट एट वाई और आपको ये भी दे रखा है कि एपीसी जो है वो इक्वल टू वन है आपको बताना है कि जिस लेवल ऑफ इनकम पर एपीसी इक्वल टू वन है वो लेवल ऑफ इनकम क्या है ठीक है बच्चों तो आप जानते हैं बच्चों एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई अब सी अपॉन वाईल टू वन रखेंगे आप तो उससे आपका c निकल कर आ जाएगा इक्वल टू वाई सही है बच्चों तो c किसके इक्वल आ गया y के अब आप सी की जगह लिख दीजिए उसका कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन है फोर्टी प्लस जीरो पॉइंट एट वाई इसको इक्वल लिख दीजिए y के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फोर्टी इज इक्वल टू वाई माइनस तो फोर्टी आ जाएगा जीरो वाई और इसे आप वाई निकालेंगे तो आ जाएगा फोर्टी अपॉन जीरो पॉइंट टू जो कि निकलकर आएगा टू हंड्रेड आगे समझ बच्चों क्वेश्चन ठीक है तो यानी कि वो लेवल ऑफ इनकम जहां पर आपका एपीसी इक्वल टू वन है और आपका कंजम्पशन फंक्शन फोर्टी प्लस जीरो पॉइंट एट वाई है और आपसे कहा गया कि आप बताइए कि वो लेवल ऑफ इनकम क्या होगी तो हमने पहले ए पी सी का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है सी ए पॉन वाई उसका मतलब सी ए पॉन वाई अगर वन है तो इसका मतलब सी आर वाई आपस में इक्वल है यानी कि ये ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम है ठीक है बच्चों ब्रेक इवन पे ही सी और वाई आपस में इक्वल होते हैं और एस जीरो होता है तो फोर्टी प्लस जीरो एट फोर्टी प्लस ज़ीरो पॉइंट एट वाई इक्वल टू हो गया वाई ठीक है अब इसको हमने सॉल्व कर लिया इससे हमारा वाई निकल आ गया वाई आ गया टू हंड्रेड आप चेक कर सकते हैं ऐसे में कंजम्पशन निकाल के भी देखेंगे इस इक्वेशन में वाई की जगह टू हंड्रेड डाल दीजिए तो फोर्टी प्लस जीरो पॉइंट एट इंटू टू हंड्रेड अब आप जीरो पॉइंट एट को टू हंड्रेड से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्टी प्लस वन सिक्सटी यानी कि टू हंड्रेड ये देख लीजिए बच्चों कंजम्पशन भी आपका टू हंड्रेड ही आ रहा है एट दिस लेवल ऑफ इनकम सही है बच्चों क्लियर बच्चों इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सेविंग फंक्शन भी थोड़ा बता देता हूँ कैसे है हम जानते हैं सेविंग जीरो आएगी मगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू एक चीज़ और सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन होता है तो उससे आप सेविंग फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं ये फोर्टी प्लस ज़ीरो पॉइंट एट वाई लिखा है जब आपको सेविंग फंक्शन में से कन्वर्ट करना है तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस फोर्टी और जो ये ज़ीरो पॉइंट एट वाई है इसकी जगह लिख दीजिए ज़ीरो पॉइंट टू वाई वन में से जीरो पॉइंट एट को माइनस कर दीजिए तो ये बन जाएगी सेविंग फंक्शन की इक्वेशन सही है बच्चों अब जरा वाई को टू हंड्रेड लेते हुए हम सेविंग निकालेंगे तो माइनस फोर्टी प्लस ज़ीरो पॉइंट टू इंटू टू हंड्रेड कर दीजिए तो माइनस फोर्टी प्लस फोर्टी आ जाएगा और जो आप जानते हैं ज़ीरो होता है तो देख लीजिए बच्चों सेविंग जीरो होती है जब ए बी सी इक्वल टू वन होता है क्योंकि सी और वाई आपस में इक्वल हैं और सी और वाई के डिफरेंस को ही सेविंग कहा जाता है और जब कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हैं तो उनका डिफरेंस सेविंग यानी जीरो ही होगा क्लियर बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन भी वैसे ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 2019 वाले बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये ठीक है Thank you, Wacho.